हाउ टू फिक्स वन प्लस टच स्क्रीन इश्यूज प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वन प्लस के डिवाइस में टच स्क्रीन इश्यूज प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कभी कभार क्या हो जाते हैं, जब हम अपने डिवाइस को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा टच जो है वो मिसबिहेव करते हैं, या फिर आप यहाँ पे टच करें तो यहाँ पे आपका टच जो है कहीं और हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे टच स्क्रीन इश्यूज़ निकल के आ जाते हैं। तो अगर दोस्तों आप भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इस तरीके का कोई भी आपके फ़ोन के साथ हो रहा है प्रॉब्लम, तो आप इस वीडियो को देखें। मैं आपको जो भी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ दोस्तों, आप उसको फॉलो कीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते और देखते यहाँ पर क्या सॉल्यूशन हमें करना होगा। सबसे पहले चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, आप डिवाइस को रिस्टार्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। डिवाइस को रिस्टार्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार यहाँ पे क्या होता है, स्क्रीन वगैरह लेक हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे रिस्टार्ट करके देखना होगा, उसके बाद चेक करके देखें अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर अभी भी दोस्तों आपको सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप टच स्क्रीन प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो यहाँ पर दो तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक जो कि दोस्तों सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इशू हो सकते हैं, और दूसरा जो है हार्डवेयर के रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन वगैरह डैमेज हुआ है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आइए नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले दोस्तों हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ही सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद दोस्तों अगर हार्डवेयरली या फिर स्क्रीन वगैरह क्रैक है तो उनको कैसे फिक्स किया जाते हैं, मैं आपको वो दोस्तों अंत पे भी यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, आपको चेक करना है अपने मोबाइल पे कोई भी करप्टेड फाइल्स वगैरह है तो उनको आप जो है सिंपली डिलीट कीजिए अपने मोबाइल से, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों करप्टेड फाइल के सारे सारे आपके करप्टेड एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे छोटा मोटा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं जो कि सपोर्टेड नहीं होते, तो उस तरीके का जो एप्लीकेशन होते हैं वो डिवाइस को काफ़ी दिक्कतें देते हैं, तो उसके वजह से प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको सिंपली वो सारे चीज़ यहाँ पे डिलीट कर देना है। उसके बाद दोस्तों अपना स्टोरेज चेक करें, अगर आपका स्टोरेज कम्प्लीटली फुल हो चुका है तो आपको वो भी यहाँ पे फ्री अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप दोस्तों ये सारे चीज़ फॉलो करके देखें, अगर इससे सही हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी भी आपको यही प्रॉब्लम दोबारा से आ रहा है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आप अपने मोबाइल को सेफ मोड पे रिबूट कर दीजिए, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल को पावर बटन जो है उसको प्रेस एंड होल्ड कीजिए, और यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा पावर ऑफ का स्विच, तो उसमें 2 सेकंड क्लिक करके रखना है तो आपको मिलेगा रिबूट टू सेफ मोड, तो आपको ओके कर देना है। ओके करते ही रिबूट हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से चेक करके देख सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे दोस्तों लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, अगर सॉल्व हो जाता है ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों जाइए सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, सिस्टम पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको मिलेगा सिस्टम अपडेट। तो सिस्टम अपडेट करना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा। तो सिस्टम को अपडेट कर लेना, सिस्टम अपडेट करते ही दोस्तों चेक करके देखें टच स्क्रीन का कम्प्लीट सॉल्यूशन हो चुका होगा। By any चांस अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने स्क्रीन से स्क्रीन गार्ड, ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसा अप्लाई किया हुआ है या फिर बैक कवर हो सकते हैं तो उनको एक बार रिमूव करके देखिए, और अपना सिम कार्ड वगैरह को रिमूव करके देखिए, तो उन सब के वजह से प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। तो सिम कार्ड को रीअप्लाई तो आपको करना ही होगा, तो री इंसर्ट आप करके देखिए अच्छे से, तो इस तरीके से आप यहाँ पर टच स्क्रीन इश्यूज़ फिक्स कर सकते हैं। By any चांस अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आपको जाना है सिस्टम पर, उसके बाद रिसेट पर क्लिक करना है, एंड देन इरेस ऑल डेटा पे क्लिक करके इरेस ऑल डेटा कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इरेस ऑल डेटा करोगे आपका प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोस्तों जो है हो गया आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉल्यूशन।
लेकिन यहाँ पे मान लीजिए आपको अगर स्क्रीन क्रैक की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है या फिर किसी भी हार्डवेयर प्रॉब्लम हो रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई भी टेक्नीशियन यहाँ पे, ठीक है, उसका मदद लेना पड़ेगा। तो आप जाइए दोस्तों अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर पे और उनको अपना फ़ोन दीजिए, ठीक है, और वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। अगर आपके फ़ोन वारंटी पे है, कोई क्रैक नहीं है स्क्रीन पे, फिर भी टच स्क्रीन प्रॉब्लम हो रहा है, तो फ्री में आपका स्क्रीन जो है यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन अगर क्रैक है तो थोड़ा डिस्काउंट के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।